नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मुंह में जो बदबू आती रहती है या सांस लेते हैं बदबू आती है, छोड़ते हैं तब बदबू आती, क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पर पूरे ही अच्छे से आपको डिटेल से बताएंगे क्यों क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं, और साथ ही साथ हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे जो इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं जो भी आपको बदबू आती है। परंतु दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसका कारण क्या होता है। कारण को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि मैं जो मेडिसिन बताऊँगा वो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी, बहुत ही लाभदायक होंगी। क्योंकि दोस्तों जो मेडिसिन बताने वाला हूँ इन सब चीज़ों में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे मुंह में जिंजिवाइटिस से लेकर मतलब किसी भी तमाम प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको लाभ पहुंचा देंगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो भाई बंधु है, माताएँ बहनें हैं जिनको मुँह से बदबू आती रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपयोगी वीडियो है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मुंह से बदबू के क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। दोस्तों कई कबार हम लोग क्या देखते हैं कि मुंह की हाइजीन को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमको बदबू या फिर कह लें कि फाउल स्मेल, बैड स्मेल ये सब आनी शुरू हो जाती है। परंतु क्या होता है दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम मार्केट में कहीं भी जाते, फ्रेंड सर्कल में कहीं भी जाते तो हम उस चीज़ को बचाव रखते हैं, या फिर अपने फ्रेंड के सामने या किसी भी कलीग के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं ताकि किसी को बदबू का एहसास ना हो। परंतु दोस्तों इसका कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपकी ओरल कैविटी मतलब जो मुंह के अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में कभी कभार क्या होता है कि आपकी जीभ गंदी बहुत है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि दोस्तों अपने मुंह के अंदर गुड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, बैड बैक्टीरिया भी हो जाते हैं। गुड जो बैक्टीरियल होते हैं वो लार्ज में होते हैं और वो डाइजेशन के थ्रू पहुंचते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना भी अच्छे से चबला चबला के जो हम खाते तो उसमें मिक्स हो जाता है और वो हमारे स्टमक तक लेकर जाता है। तो दोस्तों कई कबार क्या होता है जब हम ओरल कैविटी या मुँह की कैविटी को साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करते जिसकी वजह से वही बदबू आने लगती हैं। क्या होता है कभी कभार हमको प्लेग या बीमारी ऐसी हो जाती है मुंह की तो उसमें भी ये सब दिक्कतें आती हैं। ओरल कैविटी में दोस्तों ज़्यादातर हमने देखा गया कि मुंह में अगर ज़्यादातर अल्सर हो जाते हैं यानी छाले हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी की कंडीशनों में किसी जो नीचे लोअर लिप्स है या अपर लिप्स है उसके बैक साइड पर सफ़ेद या रेड कलर के छाले आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये बदबू आनी शुरू हो जाती है। क्या होता है ज़्यादातर कॉजेस देखने को पड़ते हैं कि आपके मसूड़ों में सूजन आ गई हो, सूजन आ गई है, सूजन इन द सेंस उसमें पस फॉर्मेशन हो गई है जिसकी वजह से भी सड़न शुरू हो जाती है और हमसे हमारे मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है पस फॉर्मेशन होने के साथ साथ क्योंकि स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। या फिर आपकी दांतों की कैविटी या जिंजिवाइटिस हो गई है जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आपने सुना हो कि कई पेशेंट बोलते हैं कि दाढ़ में गड्ढा सा हो गया, खोखली सी हो गई तो उसकी वजह से भी अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी हमको स्मेल आने लगती। या फिर दोस्तों हमको पायरिया की प्रॉब्लम हो गई, पायरिया के इन द सेंस होता है जैसे कि आपके दांतों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जैसे आप ब्रश करते हैं तो आप देखते हैं सुबह कुल्ली जब करते हैं तो उसमें हल्का सा ब्लड भी आना शुरू हो जाता है तो उसको हम पायरिया बोलते हैं। तो पायरिया भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको मुंह में बदबू आने शुरू हो जाती। या फिर दोस्तों कह लें कि आप दिन भर में दिनचर्या में पानी की मात्रा कम पीते हैं जिसकी वजह से जो हमारी एलिमेंट्री केनाल होती है मतलब मुंह से लेकर आंतों तक जो भी केनाल होती है उसमें जो खाना होता है वो अच्छे से नीचे तक नहीं पहुंचता और सड़न गलन बीच में ही शुरू हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है और हमारी फूड नली में यानी खाने वाली नली में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी स्मेल या बदबू आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग बाहर से पैक्ड फूड वाला खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी वाला खाते हैं जिसमें लहसुन प्याज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कई लोग खाने के साथ साथ लहसुन प्याज का सेवन कच्चा ही लहसुन या प्याज खाते हैं जिसकी वजह से भी वो थोड़ी देर तक बदबू रहती है, परंतु उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे।
हाँ एक चीज़ इसमें इंक्लूड करें, जब भी आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं, अल्कोहल ड्रिंकिंग का करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमारी जो फूड पाइप है, एयर पेसेस हैं, वो हमारे लंग्स तक जाते हैं, तो लंग्स में भी अगर कोई इन्फेक्शन ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से भी मुंह में बदबू आ जाती है। तो ज़्यादातर कारण साइनस को भी देखा जाता है कि आप लोग सुनते ही होंगे किसी ना किसी कि हमारे नाक गिरती है अंदर थ्रोट पर, थ्रोट का मतलब होता है गले के अंदर भाग पर गिरती है, तो उसमें क्या होता है साइनस अगर आपको हो गया, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज साइनस में हो गए, तो वहाँ पर भी ये बदबू आनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, अगर आपका डाइजेशन बढ़िया नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताई दी एलिमेंट्री केनाल के थ्रू ही खाना हमारा सब कुछ स्टमक तक जाता है, तो अगर हमारे उसी में ही डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी बदबू आपको मुंह में आ सकती है। परंतु ज़्यादातर देखा गया है कि आपको अल्सर की वजह से ज़्यादातर बदबू आती है, मुंह में जिंजिवाइटिस हो, पायरिया हो, या फिर प्लेग हो, मतलब किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको ये सब दिक्कतें आती है। अगर आपको दांत की परेशानी है, मसूड़ों की प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज प्रॉपर करवाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने खाने का भी चयन करें, क्योंकि अगर आप रात में डिनर करते हैं तो रात के बाद आप कुल्ली नहीं करते या ब्रश नहीं करते, तो उसका भी खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जीभ की प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, अच्छे से वॉश करनी चाहिए। तो इसलिए ये तो चलो एक तरीके होते हैं कि आपको बता दिया कि इन इन चीज़ों में आप परहेज कर सकते हैं, या फिर आप इसको हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, खाने पीने का आप रूटीन अपना लें, ताकि आपको ये सब चीज़ें बार बार ना किसी का वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको सुनने को पड़ती हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो है अच्छे से देखें, और इसके काजस यानी जो कॉज होते हैं किसके कारण, तो उसको आप जानने की कोशिश करें, आपको मुंह में कोई भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आ रही है, या कोई बीमारी है इंटरनल उसकी वजह से हो रहा है। अब हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताते हैं, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी एक ग्रंथ है, मतलब आपके माउथ से लेकर एनस तक कई सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो बदबू को इन्हेल मतलब बदबू को कम करती हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, किसी की कारण से आपको अगर बदबू आ रही है तो उसको रिकवर करती हैं। तो दोस्तों मैं कुछ चुनिंदा मेडिसिन जो होती हैं जो इन पर प्रोसेस में की जाती हैं, तो आज सबसे पहले उन होम्योपैथी मेडिसिन में आती है सल्फ़र। दोस्तों सल्फ़र मेडिसिन आपको 200 की पोटेंसी में लेनी है, सवेरे सवेरे खाली पेट सिर्फ 2 बूंदें, और हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार आप ले सकते हैं, लेकिन ये चयन कर लें कि हफ्ते में एक ही बार लें सवेरे खाली पेट 200 की पोटेंसी में। तो दोस्तों ये भी आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट, उसमें बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं, जो आपकी स्टमक को वॉश करता है, या फिर जो भी बदबू इन्फेक्शन हुआ है पेट में तो उसको ये रिकवर करता है। दूसरी आती है मर्कसॉल। दोस्तों मर्कसॉल भी 200 की पोटेंसी में लेनी है, ये सुबह लेनी है और शाम लेनी है, 2 टाइम लेनी है। मर्कसॉल का काम होता है, अगर मुंह में आपके छाले हैं, पस फॉर्मेशन हो गई है, डाइजेशन की प्रॉब्लम, तो उसमें ये आराम से उसको हील कर देती है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी कार्बोवेज। कार्बोवेज दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है जो आपकी डाइजेशन को बेटर करता है, गैस एसिडिटी नहीं बनाता है। आप कोई भी चीज़ बाहर से फूड खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको बदहजमी, गैस एसिडिटी ज़्यादा बन जाए, उसकी वजह से स्मेल या बदबू आने लगी हो, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ दोस्तों रात में आपको नक्स भूमिका लेनी है, लास्ट में मेडिसिन जो है नक्स भूमिका 200 पोटेंसी, वो आपको सिर्फ रात में सोते समय लेनी है, गुनगुने पानी में 2 से 3 बूंदें डालकर। दोस्तों नक्स भूमिका एक ऐसा रोल निभाती है आपके डाइजेशन को लेकर के, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, और आपको स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो पाता, उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है। और आपके अगर एलिमेंट्री कैनाल में स्वेलिंग है, एनस में स्वेलिंग है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, तो नक्स भूमिका उस चीज़ को ठीक करती है। या फिर कह लें आप ज़्यादातर अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इन सब मेडिसिन पर रिकवर करती है। इसलिए नक्स भूमिका को 200 की पोटेंसी में रात में सोते समय लें, और ये मेडिसिन आप रेगुलर लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन आपको 15 दिन लगातार लेकर देखिए, अगर आपको इससे रिजल्ट मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप हमको इस दिए गए नंबर पर एक बार ईमेल कर लें, व्हाट्सअप कर लें, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, तो आप इसकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों कई ऐसी बीमारियाँ होती जिनका कारण हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, वो तो पेशेंट के हम माध्यम से ही आपको बता सकते हैं। अगर वो हमसे बात करता है तो हम उसके सिम्टम्स सुनते हैं, बीमारी सुनते हैं, तो हम उसको बताते हैं कि ये उसको हो सकता है।
आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।